अपना YouTube चैनल सिमुलतला फ्यूचर मेकर में मैं श्रीकांत लेकर आया हूं आज आपके लिए क्लास 10 गणित का एक नया अध्याय समांतर श्रेणी लेकर। तो खाली समय में जैसा कि आप लोगों को पता है कोरोना वायरस के चलते सारा क्लास बंद है, तो सोचा मैं खाली समय में कुछ अपने बच्चों को बता दूं। एक नया अध्याय लेकर आया हूं समांतर श्रेणी जिसका अंग्रेजी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम संक्षेप में एपी भी कहते हैं। तो सबसे पहले समांतर, इसके एक एक नाम पे जाते हैं हम लोग। समांतर, समांतर को हम दो भागों में बांटे थे, समान जोड़ अंतर हो गया समांतर। श्रेणी मतलब सीरीज संख्याओं का, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा पे चले। सबसे पहले परिभाषा बता दूं तो परिभाषा क्या होता है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में, जैसे ये दो है इसका अगला पद, उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो मैं जल्दी से लिख दूं परिभाषा इसका, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। क्या बोले, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है। अब दोस्त ये जो निश्चित संख्या है ना किसी भी सीरीज का, उसमें जो एक निश्चित संख्या जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए दो जोड़ रहे हैं तो सब में दो दो जोड़ेंगे, यदि किसी में एक जोड़ रहे हैं सब में एक एक जोड़ेंगे। ये जो दो ये एक जो जोड़ रहे हैं ये निश्चित संख्या ही क्या कहलाता है, किसी भी एपी का ये जो निश्चित संख्या है वो सार्व अंतर कहलाता है। यानी कि यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाती है। अब यहां दोस्त एक नया नाम आया सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जिसको अंग्रेजी में हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, इसको डी द्वारा, इसको डी द्वारा, स्मॉल डी द्वारा सूचित किया जाता है। यानी इसको संक्षेप में कहीं भी लिखेंगे डी। इस अध्याय में आपको अगर डी देखने को मिला मतलब आप समझ जाइए सार्व अंतर। ठीक है, अब दोस्त ये जो सार्व अंतर है ना, सार्व अंतर धनात्मक नीचे, सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। यानी ये जो सार्व अंतर है वो धनात्मक हो सकता है, सार्व अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, सार्व अंतर शून्य भी हो सकता है। मतलब संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें जो एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे वो जोड़ने वाली संख्या धनात्मक यानी प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और शून्य भी। शून्य कहे तो जैसे आप इसका एक उदाहरण दे दें, जैसे दो 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 आ रहा है तो ये भी उसका दोनों अगली संख्या के बीच जो गैप है वो जीरो का है, यानी कि उसमें शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो अब दोस्त ये थ्योरी रहा हमारा, परिभाषा आपको समझ में आ गया समांतर श्रेणी का,
इसमें सर्वांतर आपने समझ लिया, सर्वांतर को डी से सूचित करता है ये भी समझ लिया। अब इसके अलावे इस अध्याय में हम लोग कुछ नाम आएगा जिसका हम लोग संक्षेप में याद रखेंगे, ठीक है। उस नाम को आपको मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है। तो ये नाम हमको ध्यान में रखना है, प्रथम पद जिसको ए से सूचित करेंगे, पदों की संख्या एन से सूचित करेंगे, सार्व अंतर जिसको अंग्रेजी में तो कॉमन डिफरेंस कहते हैं किंतु इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, अंतिम पद इसे एन द्वारा सूचित करते हैं और किसी किसी किताब में एल भी लिखता छोड़ती है, ठीक है। ये हो गया आपका अंतिम पद, ठीक है दोस्तों। ये चीज आपको चार चीजें याद रखनी है और ये जो समांतर श्रेणी का पहला अध्याय है ये आपका इसी चार नाम से खत्म हो जाएगा। प्रथम पद को ए, पदों की संख्या एन, सार्व अंतर डी, अंतिम पद ए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं धीरे धीरे प्रश्न की ओर। थ्योरी समझ में आ गई आपको। पहला प्रश्न जो इसमें पूछा जाता है वो ये रहता है कि कोई भी एक सीरीज आपको संख्याओं का सीरीज दे देगा, या फिर पहले एग्जाम्पल द्वारा कुछ मैं बता दूंगा आपको, उसके बाद मैं प्रश्न पे जाता हूँ। कि जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी संख्या एपी में है या नहीं है, ठीक है। प्रश्न देकर मैं साथ ही साथ बता दे रहा हूँ कि कोई भी संख्या एपी में है या कोई भी संख्या का एक सीरीज दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है। तो जैसे मान लीजिए 2, 5, 8, 11 डॉट 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 पूछता है कि एपी में है या नहीं। इसके पहले दोस्त मैं एक चीज और बता दूं आपको, ठीक है। जैसे पहला प्रथम पद को तो ए हो गया, इसी तरह दूसरा पद भी होगा, तीसरा पद भी होगा, चौथा पद भी होगा। यानी कि सीधा सीधी आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप तो प्रथम पद को ए कहते हैं, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस थ्री डी डॉट डॉट डॉट। यह हो गया आपका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ए ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी। अब इसमें ए प्लस डी क्या है, और ए प्लस टू डी, उसके बाद ए प्लस थ्री डी। अब इसमें ये डॉट डॉट डॉट, अब इसमें जो है ए प्लस डी क्या है, ए प्लस टू डी क्या है, ए प्लस थ्री डी क्या है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, दूसरा पद जिसे ए टू कहते हैं, तीसरा पद ए थ्री कहते हैं, चौथा पद ए फोर कहते हैं। फॉर्मूला देखा जाए तो दूसरा पद ए टू यानी कि ए प्लस डी, तीसरा पद ए थ्री यानी ए प्लस टू डी, चौथा पद ए फोर, इसको हम 1, 2, 3, 4 तो चौथा पद ए प्लस थ्री डी हो गया, ठीक है। तो यहां से डॉट डॉट करके अगर चलें तो एनवा पद ए एन ए प्लस एन माइनस वन एनवा पद ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया आपका एनवा पद अंतिम पद। क्या देख रहे हैं कि जैसे ये देखिए व्यापक रूप से जरा देखिए, प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, दूसरा पद को हमने क्या A2 लिखा, तो ये A2 को हम क्या लिख सकते हैं A plus D। ये तीसरा पद हो गया, तीसरा पद को हम क्या लिखते हैं A3, तो ये क्या हो गया A plus 2D। ये चौथा पद हो गया 1, 2, 3, 4 चौथा पद, चौथा पद को क्या कहते हैं A4, तो आप इसको A plus 3D कहते हैं। ऐसे डॉट 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 करते हुए हम क्या देख रहे हैं कि ये दूसरा पद है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1D, यहाँ 3 है तो 2D, यहाँ 4 है तो 3D, उसी तरह एन है तो एन माइनस 1D, एक एक घट रहा है, ठीक है। तो तीन है तो तीन में एक गया 2D, दो में एक गया 1D, चार में एक गया 3D,
तो इसी तरह एन एच एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका मुख्य फॉर्मूला हो गया अंतिम पद निकालने का। अरे आपको इस फॉर्मूला में देखिए क्या है, अननोन क्वांटिटी कितना है, जो अज्ञात राशि है ए एन है, ए है, एन है और डी, ए चार, देखिए ए एन डी और ए एन, इस चार में से आपको क्या करेगा ना, कोई तीन दे देगा और एक निकालने बोलेगा, कभी क्या करेगा आपको ए दे देगा, एन दे देगा, डी दे देगा, कहेगा ए एन निकालिए, कभी आपको ए एन दे देगा, ए दे देगा, एन दे देगा, कहेगा डी निकालिए, कभी आपको क्या करेगा ना ए एन दे देगा, ए दे देगा, डी दे देगा, कहेगा एन निकालिए, तो इससे आप निकाल लेंगे। अब हम चलिए कोई भी चीज समांतर श्रेणी, और यहाँ से आपसे पूछा जाता है एक संख्याओं का सीरीज देकर कि क्या ये एपी में है या नहीं है, एपी में है या नहीं है, तो हम इसको फॉर्मूला से जाएंगे। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है, एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त किया जाता है, तो क्या इसके बाद हम एक निश्चित संख्या जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका क्या है कि ये संख्याओं की सूची दिया आप, इसमें जो है ये पहला पद है, पहला पद को क्या कहते हैं ए या फिर ए वन, ये दूसरा पद है इसको क्या कहते हैं ए टू, ये तीसरा पद है, तीसरा पद को क्या कहते हैं ए थ्री, सारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये चौथा पद है, चौथा पद को क्या कहेंगे ए फोर, एक तरह से ये हो गया। अब आपको कहता है कि ये एपी में है या नहीं है, तो हम इसको ऐसे चेक कर लेंगे कि किसी भी दो संख्या के बीच का अगर अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी में होता है, तो इसके बीच का अंतर कितना है, फिर इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर कितना है, अगर ये सबके बीच का अंतर समान हो तो ये समांतर श्रेणी में है। जैसे यहाँ पे हम निकालेंगे ए टू माइनस ए वन बराबर, ए टू कितना पांच माइनस ए वन कितना दो, कितना है तीन, फिर निकालेंगे फिर अगले पद में पिछला पद को घटाएंगे ए थ्री माइनस ए टू, अगला पद ए थ्री कितना हो गया आठ माइनस ए टू कितना हो गया पांच, ये कितना हो गया तीन, फिर अगला पद में पिछला पद घटाएंगे तो ये ए फोर माइनस ए थ्री यानी ग्यारह माइनस आठ बराबर तीन। हम देख रहे हैं दोस्त कि ए टू माइनस ए वन भी थ्री है, ए थ्री माइनस ए टू भी थ्री है, ए फोर माइनस ए थ्री भी थ्री है, मतलब सबके बीच का अंतर जो है वो तीन तीन यानी समान आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इज इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री, तीनों समान है, अतः यह एपी में है। तो समझ में आ गया दोस्त क्या किए, एक संख्याओं का सीरीज दिया, हमेशा आपको ऐसे ही देगा और पूछेगा एपी में है या नहीं है, आप कुछ नहीं करेंगे, अगले पद में पिछला पद को घटाएंगे, एक घटा कर नहीं छोड़ देना, फिर उसके अगले में पिछला को घटाना, फिर उसके अगले में पिछला को घटाना, और देखना अगर सारा समान आया तो वो एपी में है, अगर वो समान नहीं आ रहा है तो एपी में नहीं है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये एग्जाम्पल टू, देखिए एक संख्याओं का एक सीरीज दिया हुआ है, क्या लिखा है कि 12, 8, 4, 0, माइनस 4 एपी में है या नहीं, तो फिर दोस्त उसी तरफ जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर एक बनाया बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए इसको हम क्या कहते हैं ए वन, इसको क्या कहते हैं ए टू, इसको बोलिए ए थ्री, ये तो लगातार है आप समझ गए होंगे ए फोर, इसको ए फाइव, बस हमको क्या करना है अगले में पिछला को घटाना है, फिर उसके अगले में पिछला को घटाना है, फिर उसके अगले में पिछला को घटाना और चेक करते जाना है कि क्या इसका सर्वांतर समान है या नहीं है, जब सारा चेक हो जाए तो फिर देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए टू माइनस ए वन आठ माइनस बारह, तो आठ माइनस बारह कितना हो गया माइनस चार, फिर क्या करना है ए टू में ए वन घट चुका है, अब अगले में पिछला ए थ्री माइनस ए टू, तो कितना हो गया ए थ्री फोर माइनस ए टू कितना एट, फोर माइनस एट कितना हो गया माइनस फोर, फिर ए फोर में ए थ्री अगला में, तो ए फोर कितना हो गया जीरो माइनस चार, ये कितना हो गया माइनस चार, अब उसके अगले में ए फाइव माइनस ए फोर, तो माइनस फोर माइनस ए फाइव कितना आपका ए फाइव हो गया माइनस फोर, अब माइनस ए फोर, ए फोर कितना हो गया जीरो, तो आपका आ गया ये भी माइनस चार। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सभी चूंकि यहाँ सार्व अंतर समान है अतः
यह एपी में है। तो दोस्त समझ में आ गया, ये बहुत सिंपल है। जब भी संख्याओं का सीरीज दे और आपसे पूछे कि ये एपी में है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस अगले पद में पिछला पद को घटा दीजिए, फिर अगले में पिछला, फिर अगले में पिछला, फिर अगले में पिछला, और जितना दे उसको घटा लीजिए, और देखिए अगर सब समान है तो एपी में है, और समान नहीं आता तो एपी में नहीं है। ठीक है, तो दोस्त ये था एग्जांपल दो। अब देखिए एग्जांपल तीन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, एक संख्याओं का सीरीज दिया हुआ है, पांच 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 पांच, एपी में है या नहीं है। कुछ लोग इसको देखकर ऐसे कर रहे हैं, सर इसमें तो कुछ जोड़ा ही नहीं है ना कुछ घटाया है, तो ये एपी में नहीं है। बिल्कुल नहीं, हम इसको चेक करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे, ए वन, इसको क्या कहेंगे, ए टू, इसको क्या कहेंगे, ए थ्री, इसको क्या कहेंगे, ए फोर। चेक करते हैं, यहां क्या करेंगे, ए टू माइनस ए वन, ए टू कितना पांच, माइनस ए वन कितना पांच, बराबर कितना जीरो। फिर ए थ्री माइनस ए टू, ए थ्री कितना पांच, माइनस ए टू कितना पांच, योग ये जीरो। ए फोर माइनस ए थ्री, अब ये हो गया फाइव माइनस फाइव बराबर जीरो। हम देख रहे हैं दोस्त कि यहां भी सार्वंतर समान है, भले सार्वंतर शून्य हो। हमने आपको पहले थ्योरी में बताया था कि सार्वंतर धनात्मक हो सकता है। एग्जाम्पल एक में हमने देखा कि सार्वंतर प्लस में आया, एग्जाम्पल टू में हमने देखा कि सार्वंतर सब माइनस में है, और एग्जाम्पल थ्री में हमने देखा कि सार्वंतर जीरो है, भले जीरो है लेकिन सब में जीरो है। तो चूंकि यहां भी सार्वंतर समान है, क्योंकि सार्वंतर समान है, अतः यह एपी में है। तो दोस्त ये समझ में आ गया, ये आपको हम जिस तरह से थ्योरी बताया था कि सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है, इसी टाइप का हमने बता दिया। आप किसी भी बुक में बनाएंगे इसको, पहला अध्याय में इसी टाइप का क्वेश्चन होगा, आप इसको बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा, आप बनाकर देखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एक बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है, तो आप इसके ऊपर एक ध्यान रखेंगे। फिर एक अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल इस टाइप का क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। ये चार सात नौ बारह डॉट 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 एपी में है या नहीं, तो बिल्कुल उसी तरह आप बार बार ए टू ए वन ए क्या लिखे, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम क्या करते हैं अगले पद में, जैसे सात में चार घटा के देखते हैं कितना आता है तीन, फिर अगला में घटाना है नौ में सात घटा दिए कितना आया दो, फिर यहीं पे देख लिया। अब आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम इसमें आगे इसलिए बढ़ रहे थे क्योंकि बार बार समान आ रहा था, क्या पता अगला असमान भी हो जाता, लेकिन मेरा तो यहीं पे दिख रहा है कि दोनों असमान है, यानी सार्वंतर जो आया अगले पद में पिछला पद घटाने के बाद एक ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कहते हैं चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः यह एपी में नहीं है। तो देखा दोस्त आज का ये पहला क्लास था, हमने इसमें पढ़ा समांतर श्रेणी क्या है, एक नजर में देख लीजिए समांतर श्रेणी क्या, हमने डेफिनेशन बताया, उसमें बताया कि सार्वंतर क्या है, उसमें हम बताया कि प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, पदों की संख्या को एन से, सार्वांतर डी से, अंतिम पद ए एन, ये सब क्वेश्चन है। फिर हम अगले वीडियो लेकर आएंगे इसके आगे का अध्याय लेकर। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास, थैंक यू।